हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग को बैकग्राउंड देख के पता चल ही रहा होगा कि आज संजय भाई और हम दोनों कहीं अलग जगह हैं। और वो कौन सा जगह है वो भी बताते हैं। अभी हम लोग आए हैं हिनू, और संजय भाई का जो बुआ जी है, यानी मेरा भी बुआ हुए, तो उनका घर आए हैं। काफी भूख लगा था तो संजय भैया बोले कि चलिए ना, मेरा बुआ है वहीं खा लेते हैं। होटल में खाएंगे तो बहुत थोड़ा तेल अलग अलग का बनाता है ना, और थोड़ा सा डाइजेस्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्या। तो बिल्कुल हम लोग सोचे कि जाके बुआ का घर में खाते हैं। और बहुत मतलब अच्छी बुआ है, हमको भी पता नहीं था कि इतना अच्छी है ना। और अभी देखिए यहाँ पर बुआ बैठी हुई है, आप लोग मिलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिलीप जी, संजय जी, इन लोग बहुत जगह से घूम घाम के आए मेरे पास। दोपहर का समय था, मैंने इन लोग को खाना खिला के मुझे बहुत खुशी हुआ। हम लोग सब मिल करके खाएं। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं कुछ काम से, फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बुआ जी से मिला है, काफी अच्छा है बुआ। और हम लोग बाहर खाना नहीं खाए, आप लोगों को तो बताया कि घर में खाए। और ये थोड़ा सा ना कुछ कुछ डोनेशन भी करते रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, मंदिर जाएंगे। और मंदिर में कुछ मतलब लंगड़ा लूल्हा जैसे रहते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता है। हम गर्मी का लोग, दिन हाँ, है। गर्मी का दिन है तो हम लोग सोचे है ना, गर्मी से बचने के लिए आप लोग जब भी देखिएगा हम लोग का जो मंदिर है अभी दिखाएंगे, वहां कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो वहां पर ना काफी धूप में वो सब दिन भर रहते हैं। तो हम लोग सोचे जितने लोग हैं वो सबको, सभी को एक एक छाता वितरण करेंगे। काहे बिल्कुल कि इससे ना वो सबको थोड़ा धूप को झेलने में थोड़ा सा आराम लगेगा, आराम है मिले। ना। बिल्कुल तो जो बुआ जी है ना बहुत अच्छी है, तो अभी चलेंगे हम लोग बुआ जी के साथ में। क्या बुआ, आपको मजा आता है ये सब बहुत बहुत करने अच्छा। दिलीप जी से मैं पहली बार मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी हुआ। में? हम लोग को तो जान रहे ना कि जैसे कहीं पर भी हम लोग को प्यार मिलता है तो लगता है एकदम अपनापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, अभी हाँ, बुआ जी जो खाना बता रही थी, काफी टेस्टी इतना बनाई थी। टेस्टी बनाई कि हम बोल नहीं सकते। बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब भी भूख लगता है हम लोग तो दौड़ के यही आ जाते हैं खाने के लिए दोस्तों। संजय भैया आते थे, आज के बाद हम भी आएंगे। क्या हुआ? सही बात, एकदम हाँ, एकदम अच्छा। मुझे सही बहुत बात। खुशी होता है। हाँ, और कल आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आज के लिए यही रहेगा। अभी यहाँ नहीं, अभी चलिए आप लोग को लेके चलेंगे हम लोग मंदिर की ओर। क्या मंदिर हुआ, की ओर तो चलिए देर नहीं करते हाँ हुए हम लोग चलिए। निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग इतना सारा छत्ता लेके आए हैं, देखिए बुआ जी लेके आए हैं। तो यही हम लोग सोच रहे हैं सबको अभी वितरण करेंगे। क्या हुआ, जी अभी दिखाते हैं आप लोग को, देखिए। और वो भी अच्छा ब्रांड का छाता है, एक ग्रीन कलर में, देखिए ये रहेगा ना। अच्छा, कम से कम कुछ तो मदद मिलेगा वो सबको। क्या हुआ, तो चलिए इसको देर ना करते हुए हम लोग अभी चलते हैं इसको वितरण करने के लिए। चलिए निकलते हैं। हम लोग मंदिर की ओर निकल रहे हाँ, हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर का पास। और ये रहा देखिए, हिनू मंदिर है ना। और अभी हम लोग सबसे पहले इसको देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सबको एक एक ठो छाता हम लोग दे रहे हैं। देखिए इस टाइप से बुआ दे रही है, और इधर भी और है। अभी सभी को यहाँ से वहाँ तक बांटना है। हम थैला पकड़े हुए हैं, देखिए सबको एक एक ठो दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग को हिंदू में बांट दी है, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जगन्नाथपुर में भी बांटे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग जगन्नाथपुर तक। हुआ, अभी संजय भी अभी जा रहे हैं साथ में। तो चलिए अभी हम लोग देखे, उसके बाद निकलेंगे। देखिए अभी हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, और यहाँ से पूरा रांची दिख रहा है ना बुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ है, कुछ छाता यहाँ के लिए भी बच गया था। तो उधर नानी को भी दे देते हैं छाता, क्या ना धूप बहुत है ना। आज मिल गया नानी से बात, नानी लोग से बात कर लो। अच्छा लगा सबको? बहुत चला गया। धूप लगता है कि नहीं? धूप लगता है, इसीलिए तो मेरा छाता भी छिड़ गया। आज अभी ठीक टाइम में मिला है ना। हम लोग सोचता था माई जी ठीक है ना, छाता कोई देगा। चलिए ठीक है, डेली इसी छाता से बचिएगा। लगे पड़े देख सकते हैं आप, इतना मतलब सबको ही चले गए हैं। यहाँ और कुछ लोग हैं, ये सबको भी दे देते हैं सबको एक एक ठो। क्या नानी, कौन सा कलर पसंद है? ले लीजिए 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 लीजिए, दे रहे हैं। रुको रुको, खोल के देते हैं। खोल के ना, क्या है, खोल के देना, पेट में थोड़ा।
बेटी कोनो कलर होता करिएगा, एकदम मस्त कलर है बैगनी कलर। देखिए लीजिए, इसमें रखिएगा। ठीक हो काकी? धूप में लगा करके बैठे। तो दोस्तों लगभग सबको कंप्लीट हो गया है, कुछ छाता और भी बच गया है, काहे कि हम लोग बहुत सारा छाता लेके आए थे और सबको यहाँ से चले गया है। तो देखते हैं और कहीं पर वैसा आदमी होंगे तो हम लोग देंगे क्या हुआ देंगे, हाँ। है ना। तो यहाँ से आप चलते हैं, हिन्दू मंदिर में दिए और यहाँ भी दे दिए जगन्नाथपुर मंदिर में। अब चलते हैं हम लोग और कहीं फिर देते हैं इसको। संजय जी आपको कैसा लग रहा है अभी? मतलब आत्मा को खुशी बहुत मिल रहा है। एक चीज है ना, हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं ये व्यू पाने की, दिखाने के लिए नहीं, हम लोग को देख के और लोग भी मतलब प्रेरणा मिले, प्रेरणा मिलेगा और वो सब भी देंगे तो एक गरीब का भलाई होगा। बिल्कुल। और अभी थक गए हैं और यहाँ देख रहे हैं ना, हम लोग को पूरा रांची दिख रहा है अभी, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। आप तो दोस्तों अभी हम लोग घर आ गए मंदिर से और छाता वगैरह बांट दिया, सब आप लोग तो देखे ही होंगे। और हम लोग इसलिए वीडियो में उसको डाले कि और लोग भी मोटिवेट हो और गरीब को दान करे क्या फुआ। और यहाँ देखिए फुआ आने के बाद में फर्स्ट क्लास हम लोग के लिए कुछ बना के दिए हैं। यहाँ देखिए पनीर चिल्ली मस्त एकदम बना के दिए हैं, तो हम लोग सोचे दो दो थो रोटी भी खा ले। क्या कैसा लगा आपको? बहुत टेस्ट है, एकदम मस्त। तो पहले ही बोले थे कि बहुत अच्छा बनाते हैं। आप लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि कैसा आपको लगेगा, अच्छा लग रहा है। और अभी टेस्ट करिए, संजय जी तो खाइए रहे हैं लेकिन एक बार और खा के टेस्ट करके बताएंगे अभी। बहुत स्वाद है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।